दोस्तों अगर आप एक उज्ज्वला गैस धारक हैं तो एक बार फिर से जुलाई से सितंबर तक 3 महीने फ्री गैस सिलेंडर आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपको अप्रैल से जून तक एक उज्ज्वला गैस धारक के रूप में 3 महीने फ्री गैस सिलेंडर मिला था, ठीक इसी प्रकार से कैबिनेट मीटिंग में एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें जुलाई से सितंबर तक 3 महीने आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। क्या है पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कैबिनेट मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों जैसे ही आप गूगल क्रोम पर आते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं उज्ज्वला गैस फ्री सिलेंडर जुलाई टू सितंबर, तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही पेज ओपन होकर आएगा तो आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा, उज्ज्वला योजना में और 3 महीने मिलेगा फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर, कोरोना महामारी के बीच बड़ी राहत। आप देख सकते हैं इसमें ये न्यूज जो है वो जुलाई 8 यानी आज की है और ये लगभग 4:30 बजे की ये खबर है। आपको पूरी जानकारी हम पढ़कर बता देते हैं कि इसमें कैसे आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवारों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यानी आज के दिन कैबिनेट की मीटिंग में उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 महीने और मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही गई है, इसका फैसला किया गया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी PMGKY के अंतर्गत उज्ज्वला लाभार्थियों को अब सितंबर तक फ्री रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। मोदी सरकार ने इस साल मार्च में कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवारों को राहत देने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इसके अंतर्गत उज्ज्वला स्कीम को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया था जिसके तहत अगले 3 महीने तक यानी अप्रैल से जून फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया गया था। सरकार की इस घोषणा से फायदा देश के 8 करोड़ परिवारों को होगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री रसोई गैस सिलेंडर का लाभ 1 जुलाई 2020 से अगले 3 महीने तक मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का मकसद इस महामारी के दौर में गरीब और असहाय लोगों को सुरक्षा के दायरे में लाना और मदद पहुंचाना है। किसे मिलेगा उज्ज्वला योजना का फायदा? दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो बीपीएल परिवार है उन्हें उज्ज्वला स्कीम का लाभ मिल सकता है। इस तरह करीब 8 करोड़ परिवारों को इसका लाभ होगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किए थे। उज्ज्वला स्कीम में महिला कर सकती हैं आवेदन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए आपको केवाईसी कराना होता है, एलपीजी केंद्र में जाकर जमा करना होता है। इसके लिए जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर आदि की जरूरत पड़ती है। स्कीम के तहत आवेदन करते समय यह भी जानकारी देनी पड़ती है कि लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर लेना है या 5 किलो वाला छोटा गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट पे फॉर्म डाउनलोड करके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, जिन लोगों को फ्री गैस सिलेंडर मिल रहा था यानी जो अप्रैल से जून तक फ्री गैस सिलेंडर का लाभ प्राप्त किए हैं, उन्हें जुलाई से सितंबर तक यानी और 3 महीने फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हर प्रकार की जानकारी, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन से हो, चाहे जनधन अकाउंट से हो या फिर अन्य योजना के अंतर्गत हो, आपको सारी जानकारी दी जाएगी इस चैनल पर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।